स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि जो पूर्व से निर्णय लिया जा चुका था कि IGIMS में 500 बेड के नए भवन का निर्माण कराया जाएगा, बीच में कुछ दिक्कतें आई, विलंब हुआ, आचार संहिता भी थी, कई तरह की कठिनाइयों के चलते थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब आज से उसका कार्य आरंभ हो रहा है। सिर्फ शिलान्यास नहीं है बल्कि काम भी प्रारंभ होगा। और जो हम लोगों का लक्ष्य है कि IGIMS को हम 2500 बेड का अस्पताल बनाएंगे यहाँ, तो उसके लिए और जो 1200 बेड के अस्पताल की ज़रूरत है उसका भी DPR लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूँ और ये काम तेज़ी से प्रारंभ होगा और 1200 बेड का और भी जो इसका एक्सटेंशन होगा अस्पताल का, उसके लिए भी जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति देकर उसका टेंडर करके उस पर भी हम लोग काम प्रारंभ करना चाहेंगे। और इस काम के लिए IGIMS के प्रति जो लोगों की अब कितनी संख्या आ रही है इलाज के लिए, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अब IGIMS का और विस्तार किया जाए। और उसके लिए पहले ही से हम लोगों ने सोच रखा था, अब उस दिशा में काम हो रहा है, कैंसर संस्थान भी बन रहा है, हर प्रकार का इलाज यहाँ पर जो कुछ भी करना शुरू किया है। तो मैं IGIMS के तमाम लोगों को बधाई देता हूँ और ख़ास करके जो हमारे NR विश्वास जी, जब से ये निदेशक बने हैं, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ जो उन्होंने IGIMS के लिए काम किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। अब वो 5 साल पूरा होने के बाद अब यहाँ से जाने वाले थे, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी IGIMS का बहुत काम करना है, हम किन्हीं और को डायरेक्टर के रूप में चयनित करेंगे। अब पता नहीं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी सेवा का विस्तार कर दिया जाए। और इसके लिए अलग कानून में संशोधन करके हम लोगों ने 3 साल के इनके सेवा का विस्तार किया। और अगर एम्स में रिटायरमेंट का एज बढ़ाने का फैसला होगा तो हम कानून में संशोधन करके एक आध एक्सटेंशन आपका और हम लोग करवा देंगे, उस पर चिंता मत करिए। लेकिन काम जो आप कर रहे हैं और एक एक बात तो आप बता चुके हैं, उन बातों को क्या स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इसकी चर्चा कर दी, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस बात की चर्चा कर दी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, आपने खुद भी सारी बातों की चर्चा कर दी, तो उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी तो रुचि यही है कि जो IGIMS बनाया गया पहले, कि एम्स के आपके की तरह यहाँ एक IGIMS बनाया गया, काम बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे IGIMS की स्थिति बिगड़ती चली गई। जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपी नवंबर 2005 में, तो उसके बाद हम लोगों ने IGIMS की स्थिति को देखा और लगा कि इसकी स्थिति अब खराब होती चली जा रही है। तब हम लोगों ने IGIMS के विस्तार के लिए, विकास के लिए फंड का भी आवंटन शुरू किया, लेकिन शुरुआती दौर पर हम लोग देखते थे कि हम लोग पैसा भी आवंटित कर देते थे, लेकिन IGIMS में काम लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन खैर, देर से ही सही काम शुरू हुआ और अब तो IGIMS की कितनी लोकप्रियता हो गई, सबसे ज़्यादा संख्या में मरीज लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सबकी इच्छा होती है कि IGIMS में हम ट्रीटमेंट कराएं। तो वैसी स्थिति में हर प्रकार से, चाहे आउटडोर के लिए हो, मरीज को की जांच करने के लिए, देखने के लिए, या फिर जब उनको भर्ती कराना पड़े अस्पताल में तो बेड की संख्या बढ़नी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो भी IGIMS की इच्छा है, हम लोग उसके लिए जो भी राशि की ज़रूरत होगी, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग उसका आवंटन करते रहेंगे और उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए 1200 बेड वाला भी काम हम लोग चाहते हैं बहुत जल्दी शुरू हो जाए। और इसके बारे में पहले ही हम लोगों ने कह दिया, जब PMCH जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है बिहार का, और PMCH में जो लोग पढ़ते थे
और डॉक्टर बनते थे उनकी कितनी प्रतिष्ठा थी। देश के अलग अलग हिस्सों में तो बिहार के अलावे वो जाते ही थे, लेकिन देश के बाहर भी इंग्लैंड में कितनी बड़ी संख्या में। तो पीएमसीएच का कितना महत्व है। और जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो देखते थे कि नेपाल से कितने लोग आते हैं। आज तो हमारे अश्विनी चौबे जी बोल रहे थे कि अब हम लोगों के मरीज लोग यूपी में जा रहे हैं इलाज के लिए, बहुत संख्या में जाते हैं, लखनऊ तक चले जाते हैं, बनारस में भी जाते हैं। लेकिन उस समय स्थिति यह थी कि पीएमसीएच में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से आते थे लोग अपना इलाज कराने के लिए, नेपाल से आते थे, असम से आते थे, दूसरे राज्यों से पीएमसीएच में इलाज कराने के लिए आते थे। जब हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में छात्र थे, हम लोगों के दोस्त थे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कई मित्र मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो सारी बात बराबर आना जाना लगा रहता था एक दूसरे के हॉस्टल में। तो पीएमसीएच की जो स्थिति खराब होती जा रही थी, तो हम लोगों ने प्रारंभ से भी कहा कि भाई हम पीएमसीएच को एक आदर्श मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते हैं। और उसके लिए जब हम लोगों ने तय किया कि 5000 बेड का, और अब तो 5400 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय, डीपीआर तैयार हो गया, अब उसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी और अब तो उसका टेंडर होने वाला है, और कई फेज में, 3-4 फेज में हम लोग पूरे भवन का निर्माण करेंगे, एक हिस्सा पुराना को हटा करके और उसमें हम लोग एक हिस्सा उसका बनाते हुए, हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 3-4 साल के अंदर उस काम को पूरा कर देंगे। और दुनिया में कहीं नहीं है 500 बेड का हॉस्पिटल, 5000 बेड का हॉस्पिटल, ये पीएमसीएच बनने जा रहा है। और जब पीएमसीएच को 5000 बनाने की बात हम लोगों के मन में आई, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई आईजीआईएमएस को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तब यही हुआ कि आईजीआईएमएस का भी 2500 बेड का होना चाहिए, और जो पढ़ाई के लिए एमबीबीएस के लिए जो 100 स्थान का है उसको बढ़ाकर 250 सीट का करना पड़ेगा हम लोगों को। इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है, और इसके पीजी और हायर एजुकेशन के लिए तो पहले से है, उसमें और उसका विस्तार हो गया। तो अब आईजीएमएस का भी विस्तार, सब लोगों को कितना भरोसा है। हम लोग जब एमपी रहे हैं तब देखते रहे हैं कि भाई इलाज के लिए हर एमपी को एम्स में इलाज के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता था, हर एमपी को, बिहार के जितने सांसद हैं सब लोगों को अपने यहाँ किसी न किसी व्यक्ति को इस काम के लिए रखना पड़ता है कि भाई जो भी उनके क्षेत्र के मरीज आए उनका इलाज एम्स में हो। एक ऐसा होता था कितने लोग जान पहचान के मिल जाते थे बिहार के कोने कोने के, और एम्स में यानी दिल्ली के अलावा अगर किसी अन्य प्रदेश के कितने लोग जाते हैं, सबसे बड़ी संख्या में बिहार के लोग इलाज के लिए जाते हैं। और तब बाद में तय हुआ कि पटना में भी एम्स बनेगा, अब पटना में एम्स बन गया है, काम भी प्रारंभ हो गया है, उस एम्स के लिए भी जितना हम लोगों को सहयोग करना है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद जो आईजीएमएस में काम आप लोगों ने किया है, भाई हम तो बधाई देंगे इसके लिए आप सब लोगों को, या सबका विश्वास सबसे ज़्यादा आईजीआईएमएस के प्रति पैदा हुआ है। तो ये काम रहे, कायम रहे, और इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण, उसका विस्तार, और ठीक कहा हमारे साथी उप मुख्यमंत्री जी ने, भाई आबादी जो हमारी बढ़ रही है ये तो इलाज के लिए हम लोग सब प्रबंध कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बीमारी कम से कम हो, और उसके लिए ध्यान देना हो। जो केंद्र सरकार की पूरे राज्य देश के लिए स्कीम बनी है खुले में शौच से मुक्ति, और बिहार में भी उस काम को हम लोग बड़ा मजबूती के साथ कर रहे हैं, और यहाँ तो लोहिया स्वच्छ अभियान, स्वच्छ बिहार अभियान के तौर पर हम लोग उस काम को कर रहे हैं। और दूसरा काम हम लोगों ने शुरू किया है हर घर नल का जल, ताकि पीने के लिए लोगों को स्वच्छ पानी मिले, गांव हो या शहर, अगर पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए और खुले में शौच से मुक्ति हो जाए, तो आज जितने प्रकार की बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा, खास करके ग्रामीण इलाकों में। और शहरी इलाकों में तो है ही,
अभी हम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं वायु प्रदूषण पर, उसको नियंत्रित करने के लिए, वायु प्रदूषण के कारण बीमारी, तो बीमारी कम से कम हो। एक तो हम लोगों का लक्ष्य अस्पताल बनाना, हर तरह का ट्रीटमेंट यही हो जाना, चाहे कैंसर का हो, किडनी का हो, जिस प्रकार का हो, सब काम यहाँ करवाने की सुविधा उपलब्ध कराना, यह तो हम लोगों का एक लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का यह भी लक्ष्य है कि भाई बीमारी कम हो। और अभी जरा देख लीजिए मुजफ्फरपुर में जो बच्चों को बीमारी हो रही है और कई लोगों को की मृत्यु हुई है, बड़ा दुखद है, चिंताजनक लगता है ये सब। और ये बात कोई आज की नहीं है, ये पहले से चला आ रहा था, उस पर हम लोगों ने काफी अध्ययन करवाया। और मुजफ्फरपुर में जो बीमारी होती है इस मौसम में, यानी बरसात के पहले, तो उसके बारे में तीन राय को हम लोगों ने सबको मिलाकर एक्सपर्ट्स की टीम बनाई कि आप सोचिए इसके लिए क्या करना है। और टीम बनाई तो स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया कि क्या क्या करना चाहिए। तो अभियान चला करके लोगों को जागरूक करना ताकि वो अपने बच्चों को बचाएं, इस बात का ध्यान रखें। कोई कहता है खाली पेट में अगर कोई सवेरे लीची गिरा हुआ हो खा लिया, वह भी एक पक्ष था उसका कि यह भी कारण है। या पास सोच लीजिए कि रात में बच्चा भूखे सो जाए और सवेरे उठे, तो कई प्रकार इसके कारण हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को देखना भी बड़ा जरूरी है और उसके लिए अभियान चलाना। तो जो पिछले दो वर्षों में काफ़ी कमी आई थी और फिर इस बार हो गया, तो हमको लगता है कि जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का जो अभियान चलता था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। तो अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीम बनाई और आज बड़ी टीम इन लोगों ने मुजफ्फरपुर भेजा है ताकि एक एक चीज का आकलन कर लें कि आखिर क्या बात हुई कि फिर सार इस बार भी हो रहा है। और यही नहीं, वहाँ जो होता है गया में फिर बरसात के दिनों में जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो एक एक चीज़ को ऐसा नहीं है कि हम लोग हर चीज़ का आकलन करते हैं और उसका क्या उपाय करना है, इलाज की तो व्यवस्था करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ लोग इतने जागरूक रहें कि वो ऐसी नौबत ना आए। तो ये सब काम भी हम लोग करते हैं। और दुख तो होता ही है कि अगर बच्चों की मृत्यु हो जाए तो तकलीफ तो होती है, वह सिर्फ उनके परिवार को जो तकलीफ होती है वही नहीं, हम सब लोगों को बहुत पीड़ा होती है और तकलीफ होती है। इसलिए जो कुछ भी करना है वो सब हम लोग करते रहेंगे। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि बीमारी कम से कम हो। और दूसरा चीज़ जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस बात की चर्चा हम लोग हमेशा करते रहते हैं, और वो है फर्टिलिटी रेट को लेकर के। अब जो इन्होंने बताया ठीक का, 10 साल के अंदर जो जनगणना होती है तो बिहार की आबादी लगभग 23 से 24% बढ़ जाती है। अब आप बताइए, इलाका तो सीमित है, वही 94,000 स्क्वायर किलोमीटर, और आबादी बढ़ती चली जाएगी। अब गांव वगैरह का देख लीजिए, आबादी बढ़ रही है तो जहां पर लोग खेती करते थे वहां पर लोगों को घर बनाना पड़ रहा, अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है। तो अगर आबादी पर नियंत्रण, लेकिन आबादी पर नियंत्रण का एक माध्यम है नियंत्रण, उसको हम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रजनन दर है इसको हम कम कैसे करेंगे। तो एक तो मेडिकल साइंस के क्षेत्र से जो भी होता है वो होता रहे, लेकिन हम लोगों ने इस पर बड़ी चर्चा की और 2012 में हम इसको मिशन मोड में इस पर काम करना चाहते थे। प्रजनन दर को लेकर 5 विषय पर करना चाहते थे, उसमें एक था फर्टिलिटी रेट। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो पूरा अध्ययन किया और विभिन्न विभागों ने, तो उसका एक प्रस्तुतीकरण कर रहे थे। और जो बात सामने आ गई कि अगर पति पत्नी में महिला पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो वैसी स्थिति में देश का एवरेज प्रजनन दर 2 है और बिहार का भी वैसे परिवार का प्रजनन दर 2 है, और अगर लड़की 12वीं कक्षा पास है, इंटर पास है, तो देश का प्रजनन दर 1.7 और बिहार का थोड़ा और कम, उस समय के प्रेजेंटेशन में दिखाया गया, हर साल थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, रिपोर्ट आ सकती है। तो ये तो हम लोगों के मन में यूरेका वाली भावना जग गई
हमने कहा तो सबसे बड़ा चीज है कि अगर लड़की पढ़ ले तो फिर ये प्रजनन दर की बात जो आज हम लोग जिसको लेकर चिंतित रहते हैं वो अपने आप ठीक होगा। और तब हम लोगों ने तय कर दिया कि हरेक ग्राम पंचायत में हम उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे और लगभग 6000 ग्राम पंचायत में हो गया है और अगले साल तक ये काम पूरा होगा और अगले साल हरेक पंचायत में 9वें क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पोलियो मुक्त हम लोग हो गए।